आपने कभी ऐसा गांव देखा है क्या भाई? सही बताना, ये देखो इतना ज्यादा खूबसूरत लग रहा है, कलरफुल घर बना के रखे हैं। बहुत भीड़ लगी हुई थी, अभी थोड़ा सा खाली हुआ है, तो सारी लड़कियां सारे लोग फोटो निकाल रहे हैं। साउथ कोरिया का जो टूरिज्म है उसका भाई एक बहुत बड़ा नंबर के पॉप के ड्रामा के वजह से आता है भाई, क्योंकि दुनिया में इतने सारे फैन हो गए। अगर आप स्क्विड गेम देखे रहेंगे तो आपको मालूम होगा ये कैंडी उसमें मिलती है, उसमें फिर एक सुई मिलती है, उससे खोद खोद के आपको ये निकालना रहता है। शाम होगी ना, जब अंधेरा पूरा होगा तो पूरी लाइट जब जलेगी तो और भी ज्यादा खूबसूरत लगेगा। स्वागत करता हूं आप लोगों को कोरिया के एक नए वीडियो में। इस वक्त मैं बुसान शहर में मौजूद हूं, जो कि भाई साउथ कोरिया के एकदम साउथ वाले पार्ट में आता है। ये हॉस्टल में मैं रुका हुआ था, पिछले वीडियो में मैं आप लोगों को दिखाया था। ये हॉस्टल का नाम है हॉस्टल काली। काली कहाँ से आ गया भाई? ये हॉस्टल का नाम काली नहीं है, कैली हॉस्टल है, CALLI। लेकिन अगर आप इसको गूगल मैप पे देखोगे ना तो कैली आता है, KELLY। नाम का इतना ज्यादा डिफरेंस होने की वजह से ढूंढने में बहुत प्रॉब्लम हुई थी। हॉस्टल से निकलते साथ ये एक लोकल मार्केट सी लगी हुई है, यहाँ सारे कुछ सामान वगैरह मिल रहे हैं। अब कितना बड़ा सेफ है यार ये तो। देखिए टमाटर, अलग अलग कलर का टमाटर है। ये देखिए यहाँ पर भाई ग्रेप्स वगैरह मिल रहे हैं। मस्त एकदम लोकल मार्केट सी लगी हुई है यार, भाई साहब सही है। और ये क्या चीज़ है? ये ना हर जगह यहाँ पर मिलता है यार, ये अगर आपको मालूम रहेगा तो बताना मुझे। सुपारी जैसा लग रहा है कुछ, ऐसी कुछ दिखती है साउथ कोरिया में लोकल मार्केट। साउथ कोरिया की लोकल मार्केट भी देख लिए। और यार मार्केट में ना जवान लोग तो है ही नहीं, खाली बूढ़े लोग देखने मिलेंगे। देखिए अपने घर वगैरह का सामान लेने निकले हैं भाई, ऐसी छोटी छोटी ट्रॉली वगैरह लेके। और यहाँ पे देखो आलू मिल रहा है, रतालू मिल रहा है, बीन्स है, ये कांदा है। और ये क्या चीज़ है भाई? ये कौन सी घास खा रहे हैं ये लोग 2000 पाउंड की? मस्त है यार एकदम, अलग अलग चीज़ें आप लोगों को यहाँ पे देखने मिलती है। तो यार आज मैं कहाँ जाने वाला हूँ वो तो आप लोगों को बताया है नहीं। आज हम जाएंगे बुरिया का एक और गांव विजिट करने। फोटो वगैरह में देखा तो बहुत सही लग रहा है। वो विलेज का नाम है गेमचोंग कल्चरल विलेज, जिसको बोलते हैं कोरिया का सेंटोरिनी, जो आप लोगों को मैं ग्रीस में दिखाया था। अब देखते हैं वैसा रहता है कि नहीं रहता है। फोटो में तो बहुत सही लग रहा है, और उसको कल्चरल विलेज बोलते हैं। वहाँ पर BTS वगैरह का बहुत सारा लोगो वगैरह बना के रखे हैं, पेंटिंग वगैरह करके रखे हैं, तो बहुत खूबसूरत दिख रहा है। तो सबसे पहले आज वहाँ पर चलेंगे। और ये Dhoom 3 की गाड़ी कहाँ जा रही है? ये देखो भाई साहब, ये तेरी तो ये क्या जा रही है भाई? बहुत सही गाड़ी यहाँ पर घूम रही है। और यार धूप बहुत तेज है यार, रात में इतनी खतरनाक ठंडी हो जाती है ना कि सरवाइव करना बहुत मुश्किल हो जाता है भाई। मेरे पास मोटा कपड़ा है ही नहीं, अभी दिन के टाइम पे इतनी ज्यादा धूप है, ना कोई सनस्क्रीन है, ना कुछ इंतजाम है, कुछ भी नहीं है। ऐसा रहा तो भाई मेरा कलर वैसे तो डल हो ही गया है कलर, लेकिन अगर मैं ध्यान नहीं दिया ना, सनस्क्रीन वगैरह लगाया नहीं ना, तो और जाएगा भाई। तो देखते हैं खरीद लेंगे अगर कहीं दुकान में मिला तो। सबसे पहले ना भाई हम कॉफी पियेंगे, फिर उसके बाद देखते हैं गेमचोंग कैसे जाना है। मैप पे देखेंगे भाई कैसे जाना है। यहाँ पे देखिए सारे दुकान वगैरह लगा के रखे हैं, और सारे बूढ़े लोग ही है भाई। ये देखो रोड पे भाई सब्जी वगैरह बेच रहे हैं। तो यार एक चीज तो मैं आप लोगों को मैं पिछले वीडियो में बताया था, वो फिर से रिपीट करता हूँ, साउथ कोरिया जो है ना वो चाइना का कॉम्पिटिशन नहीं कर सकता। चाइना अलग लेवल पे भाई, नेक्स्ट लेवल पहुंच गया चाइना। अगर आप लोगों ने देखे ही नहीं है मेरे वीडियोस चाइना के तो आपको मालूम होगा। साउथ कोरिया में ना एक प्रॉब्लम चल रहा है, वो है भाई ओल्ड एज पॉवर्टी का। यहाँ पे जो बूढ़े लोग हैं ना वो भाई बहुत ज्यादा गरीब है और होमलेस है। और एक और चीज देख रहा था कि भाई उसकी वजह ये है, यहाँ की जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है ना वो काफी ज्यादा हाई है। यहाँ पे देख रहे हो प्रॉब्लम क्या है, लोग ज्यादा टाइम तक जिंदा रहते हैं, ये प्रॉब्लम है साउथ कोरिया की। इस वजह से लंबी उम्र रहती है उनकी, तो उसके बाद भाई वो कमा नहीं पाते हैं भाई। 70-80 साल तक आदमी कमाएगा, यहाँ पर लोग 100-100 साल के भी रहते हैं। तो इस वजह से ना भाई यहाँ वाले लोगों को बहुत प्रॉब्लम होती है। लेकिन देखिए ना कितनी बूढ़ी बूढ़ी आंटी लोग यहाँ पर मस्त अपना काम काज कर रहे हैं, सही है यार। और देखिए जैसे कि आप लोगों को मैं बता रहा था, यहाँ पर होमलेस लोग भी बहुत ज्यादा हैं। तो देख सकते हो आप भाई यहाँ पर एक पड़े हैं आदमी, ये देखो भाई। और यहाँ पे देखिए सारे बूढ़े लोग बैठे हुए हैं। चलो पहले भाई कॉफी की दुकान ढूंढता हूँ, एक कॉफी गटकेंगे एकदम फ्रेश हो जाएंगे भाई एकदम, फिर हम निकलेंगे हमारे सफर पे। तो भाई साहब यहाँ पर सबसे फेमस जो कॉफी का ब्रांड चलता है ना वो है मेगा कॉफी, और आपको हर जगह मिल जाएगी। बाहर 200-300 मीटर पे रहती है, सबसे नजदीक वाली कितनी है 200 मीटर दूर है, स्ट्रेट जाना है। पहले मेगा कॉफी पीते हैं भाई, मेगा बरसो रहे मेगा मेगा कॉफी पीते हैं, फिर हम निकलेंगे। शायद उस तरफ है, हाँ नहीं नहीं भाई ये देखिए सामने ही है मेगा कॉफी। चलो रोड क्रॉस करते हैं, पहले मेगा कॉफ़ी पीते हैं। ये है मेगा कॉफ़ी, और यहाँ पे तो बहुत सारा ऑप्शन है भाई, अमेरिकानो चाहिए या फिर लाटे चाहिए या फिर कॉफ़ी में चाहिए, नॉन कॉफ़ी में चाहिए, अपने को तो कॉफ़ी में चाहिए भाई। मैं सोच रहा हूँ लाटे में से कैपेचिनो ऑर्डर करते हैं। ब्रदर वन कैपेचिनो कोल्ड कोल्ड एक्स्ट्रा हनी, या एक्स्ट्रा हनी के साथ ही पियेंगे भाई हम। आइस आइस ओके आइस ओके आइस कैपेचिनो यस। मैं बोला आप आइस कैपेचिनो ही पीते हैं यहाँ पे। और भाई कितने की ये देखते हैं, हाउ मच ब्रदर?
3600। ओके ब्रदर, 5000 की नोट दिया हूँ, 3600 जो कि तकरीबन आप बोल सकते हो 250 बनता है, 250 रुपया बनता है, तो ठीक है भाई। लेकिन हियर सही है भाई, अपने यहीं बैठ के पियेंगे। देखिए ऐसा सा कैफे है यहाँ पे, थोड़ा सा बैठ के 10-15 मिनट पियेंगे फिर निकलेंगे आराम से। और खाने पीने के लिए भी देखिए, ले भाई हमारा चेंज वापस लेते हैं और इंतज़ार करते हैं कॉफ़ी का। ये हमारा चेंज रिटर्न आ गया और साथ में ये मिला है। ये भाई ना ये क्या रहता है कि आप इसको लेके अपने टेबल पे बैठ जाओ, जब तो हमारा ऑर्डर रेडी होगा ना तो बजने लग जाएगा टें 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 टें, वो आपको मैं दिखाता हूँ। चलिए यहाँ पर बैठते हैं। कैफे में सिर्फ बूढ़े लोग बैठे हुए हैं यार, ये देखो भाई एकदम चमकने लगा, मतलब हमारा ऑर्डर रेडी हो गया है, इसको दे के ऑर्डर लेके आते हैं। थैंक यू दिस वन, थैंक यू ब्रदर, थैंक यू सो मच। यहाँ से टिश्यू उठा लेते हैं। हाँ स्ट्रो यहाँ पे है भाई, दिख काफ़ी मस्त कॉफ़ी रही है यार, एकदम कॉफ़ी भरी हुई है और ग्लास बहुत बड़ा है, तभी तो उसका नाम है मेगा कॉफ़ी। बैठ के पीते हैं। और जैसा कि आप लोगों को बताया, पूरे बूढ़े हैं भाई, पूरे लिटरली बता रहा हूँ, सब 60 के ऊपर वाले लोग यहाँ पर बैठे हैं मेरे पीछे। देखो कॉफ़ी में ऑर्डर इसलिए किया ताकि नींद भाग जाए, और ये इतने बड़े कप में और इतनी सारी कॉफ़ी डाले हैं, ऐसा लग रहा है 3 दिन नींद नहीं आएगी भाई अगर ये पी लिया तो। बराबर मतलब 4-5 दिन की कॉफ़ी एक साथ मिला दी है यार। कॉफ़ी वगैरह पी लिए हैं, अब चलते हैं भाई, रोड क्रॉस करते हैं भाई, सिग्नल खुला जल्दी अभी निकल जाते हैं, नहीं तो बहुत ज़्यादा रुकना पड़ेगा। सामने ही है भाई मेट्रो स्टेशन, वहाँ से हमको मेट्रो लेना है, फिर वहाँ से भाई एक स्टॉप पे पहुँचना है, फिर उसके बाद वहाँ से हमको बस मिलेगी। तो भाई दो दो चीज़ चेंज करके हमको जाना है हमारे डेस्टिनेशन पे, गैमचोंग कल्चरल विलेज। तो ये है स्टेशन का नाम सियोमयोंग, और हमको जाना है दो सियोंग स्टेशन पे। बहुत कॉम्प्लिकेटेड सा नाम रहता है भाई, अगर गलत ले रहूँगा तो भाई माफ़ करना, मुझे मालूम नहीं, नाम लेने बहुत ज़्यादा ख़राब हूँ। और यार इतनी सारी कॉफ़ी पिला दी है ना भाई, तकरीबन वो 1 लीटर से ज़्यादा था, पेट से ना खाली पानी वाला जो होता है ना, जब पेट में खाली पानी रहे, वो ऐसा हो गया सिस्टम। चलिए अब यहाँ से नीचे उतरते हैं और चलते हैं। ये देखो इतना भाई क्यूट सा भाई कार्ड है ये मेट्रो स्टेशन का। चलो यहाँ पैक करते हैं, 39,000 बचा हुआ है भाई। चलो यहाँ से तकरीबन 9 स्टॉप आगे जाना है तो सियोंग जो भाई स्टेशन है वहाँ उतरना है। ये सिविनियर रखने कितना सही रहेगा ना भाई, कितना सही लगता है। फाइनली हम पहुँच गए हमारे स्टॉप पे, तो सियोंग स्टॉप। अब यहाँ से 6 नंबर एग्जिट से बाहर निकल के हमको बस पकड़ना है। चलिए चलते हैं। और ज़्यादा कुछ भीड़ नहीं है, बिल्कुल खाली सा, देखिए ना कोई भी नहीं है। और ये जो लोगो बनाया है मेट्रो का, ये मुझे ऐसा लग रहा है ना भाई, ये लंदन मेट्रो जो अंडरग्राउंड होती है ना, उसकी कॉपी करें। चलिए 6 नंबर एग्जिट से निकलते हैं और यहाँ से बस पकड़ते हैं। ये देखिए ये है एग्ज़िट नंबर 6, हमको यहाँ से जाना है। और सीढ़ी देखो कितना मस्त डेकोरेट करके रखे हैं यार, ये सारी चीज़ों की वजह से जगह कितनी खूबसूरत हो जाती है। और देखिए ये विलेज में हम जा रहे हैं, गैमचोंग कल्चरल विलेज, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, सही बना के रखे हैं यार, जो हिसाब से भाई फ़ोटो वगैरह है वो हिसाब से तो भाई बहुत खूबसूरत होने वाला है यार। तो ये देखिए यहाँ से हम बाहर निकले हैं एग्ज़िट 6 से, और आज का वेदर देखो कितना ज़्यादा खूबसूरत हुआ है यार, एकदम परफेक्ट वेदर है। और यहाँ का नज़ारा देखो, आज ना ज़्यादा ठंडी है ना गर्मी है, सुबह जब निकले थे तो धूप थी लेकिन अभी टेम्परेचर बहुत सही हो गया है। ये सारी चीज़ जो करते हैं ना भाई, नॉर्मल जगह को भी ना ये बहुत खूबसूरत बना देते हैं। ये नॉर्मल बैठने की जगह है, और यहाँ पे देखिए कितनी अच्छी सीटिंग बना के रखे हैं यार, क्या बात है। और यहाँ पे देखिए एक छोटा सा स्टैचू है, एक लड़की एक छोटे लड़के को भाई गोद लिए, शायद उसका छोटा भाई होगा। भाई साहब सामने का नज़ारा देखो ना कितना सही लग रहा है यार, हमको थोड़ा ऊपर ऐसा स्लोप पे चढ़ के जाना है, वहाँ से हमको बस मिलेगी। और पीछे देखो पहाड़ पे सारे कुछ घर बसे हुए हैं, मुझे लग रहा है ना गैमचोंग विलेज उसी तरफ होगा, क्या बात है यार, बहुत सही लग रहा है। और यहाँ देखो ज़्यादा कुछ भीड़ वगैरह आप लोगों को देखने नहीं मिलेगी, बस भी मिल गई हमको। चलिए बैठते हैं बस में, आंटी को चढ़ने दो पहले। तो भाई साहब एक छोटी सी बस जर्नी के बाद हम पहुंच गए हैं गैमचोंग कल्चरल विलेज, और जो रास्ता था ना बहुत सही था। मैं आ गया हूँ भाई यहाँ पर, एक छोटी सी ब्रिज है, मैं बोला ब्रिज से देखते हैं कैसा नज़ारा मिल रहा है। यहाँ से व्यू देखो कितना ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है, हम इसी रोड से आए हैं, ये तो मेन विलेज भी नहीं है, मेन विलेज इस तरफ है, और यार बहुत सही लग रहा है। चलिए देखते हैं ये है कैसा। हम बस वहाँ से भाई देखिए वो ब्रिज से यहाँ आए हैं, और इतना ज़्यादा खूबसूरत है मैं आपको बता नहीं सकता। यहाँ से नज़ारा देखो भाई, पहला इम्प्रेशन यार कितनी खूबसूरत जगह है। ये देखो इतने सारे घर, इतनी अच्छी अच्छी गलियाँ हैं यहाँ तो, और पूरा ऊपर तक जा सकते हो। मैं अभी आपको जूम करके दिखाता हूँ, यहाँ तो व्यू पॉइंट कितने सारे बने हुए, जूम करके दिखाऊंगा अच्छा दिखेगा। सब सही बता रहा हूँ, जितना सोचा था ना उससे 1000 गुना ज़्यादा खूबसूरत है। आपने कभी ऐसा गांव देखा है क्या भाई, सही बताना। ये देखो
कलरफुल घर बना के रखे हैं। ये कलरफुल कैसे बना, क्या हुआ, सारी चीज़ों के बारे में बताता हूँ भाई ये गांव की। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अगर आपको ट्रेडिशनल कपड़ा लेना है तो यहाँ से आप रेंट कर सकते हो। तो हमको ये रोड से उतर के जाना है, चलिए स्टार्ट करते हैं भाई एक्सप्लोर करना ये खूबसूरत सा गाँव। यार मेरे को फ़ोटो खिंचाना है यहाँ पे, कोई है ही नहीं यार। कभी कभी मैं फ़ोटो खिंचाता हूँ यहाँ पर, इतना मन कर रहा है ना कि फ़ोटो खिंचाऊँ। मेरे पीछे व्यू देखो ना यार, यहाँ कैसे कोई नहीं फ़ोटो खिंचा सकता यार। फ़ोटो खिंचाना है तो किसी ना किसी को तो बोलना ही पड़ेगा, मैं मिस नहीं कर सकता भाई। अभी नीचे चले जाऊँगा तो फिर वहाँ से शायद ऐसा घूम के इस तरफ निकलूँ या फिर इस तरफ निकलूँ, किसी ना किसी को तो बोलना पड़ेगा भाई फ़ोटो खिंचवाने के लिए। एक्सक्यूज़ मी, कैन यू क्लिक फ़ोटो, माई फ़ोटो। तो भाई दो तीन फ़ोटो तो निकाल लिया लेकिन अच्छा नहीं आया। अब यहाँ पे ये जो जगह देख रहे हो ना, ये यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है फ्री फ़ोटो जोन, तो यहाँ पर चलते हैं भाई, यहाँ से खिंचवाते हैं क्योंकि यहाँ पर ना ये जाली सी आ रही है तो अच्छा नहीं आ रहा है। चलिए नीचे चलते हैं, यहाँ कोई दिख रहा नहीं है ज़्यादा लोग यार। एक्सक्यूज़ मी, कैन यू क्लिक फ़ोटो, ओके। तो भाई यहाँ पर भी दो तीन फ़ोटो निकाल लिया हूँ, और यहाँ पर ना आपको सेल्फी लेना है तो बड़ा सा मिरर भी लगा हुआ है, यहाँ पर भी दो तीन फ़ोटो ले लिया हूँ। मस्त जगह यार, कितनी ज़्यादा खूबसूरत लग रही है भाई, स्पेशली इस जगह से देखिए। अगर ऐसी जगह इंडिया में बना देंगे तो भाई वहाँ पर भी कितने टूरिस्ट आएंगे। और कुछ स्पेशल और बहुत ज़्यादा बड़ी चीज़ नहीं कर दी है, देखिए भाई नॉर्मल घर नज़दीक से ऐसे दिखते हैं, ये पूरा छपरा वगैरह लगा हुआ है वैसे ही, ये सिमिलर से बस कलर करके रखे हैं अच्छे से और थोड़ा सा मेंटेन करें यार, उस वजह से कितना सही लग रहा है यार। ये देखिए ना, ये नॉर्मल चीज़ें यहाँ पर बना के रखे हैं, ये मिरर ही देखो कितना सही लग रहा है यार। और देखिए सारी कुछ पुरानी चीज़ें रखी हैं। चलिए भाई चलते हैं बाहर, और बाहर आप लोगों को अंदर पूरा गांव दिखाता हूँ भाई, मज़ा आएगी। आप लोगों को अभी तो कुछ भी नहीं पता है स्पेशली ये गांव के बारे में। यहाँ पर चलते चलते आप लोगों को थोड़ी सी बेसिक इन्फॉर्मेशन देता हूँ ये खूबसूरत से गैमचोंग विलेज के बारे में। ये जो गैमचोंग विलेज देख रहे हो ना भाई, ये ज़्यादा कुछ पुराना नहीं है, अभी रिसेंटली तो नहीं बोल सकते, 80 साल हो गए। तो ये गांव को बोलते हैं ना, ये गांव रेफ्यूजी लोग आके बसाए हैं, रेफ्यूजी जो वॉर से भागे थे। आपको मालूम होगा कोरिया में बहुत ही ज़्यादा खतरनाक कोरियन वॉर हुआ था नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के बीच में 1950 से लेकर 1953 तक। उस वॉर में तकरीबन 40 लाख लोग मरे और बहुत सारे लोगों के घर टूट गए, डिस्प्लेस हो गए। तो वो सारे लोग ना भाई यहाँ पर भाग के आए थे। वो टाइम पे तकरीबन 800 फैमिली वॉर से भाग के यहाँ पर आई थी। उस टाइम इतना ज़्यादा खूबसूरत नहीं लगता था जितना अभी लग रहा है, एकदम कलरफुल सा। उस टाइम भाई एकदम ज़्यादा गरीबी थी, टूटे फूटे से घर हुआ करते थे। 1970s 1980s तक यहाँ पर भाई पक्के घर नहीं थे, यहाँ पर भाई जितने भी घर थे वो सारे कुछ वुडन थे, लकड़ी के बने हुए थे। फिर अभी रिसेंटली 2009 में यहाँ की गवर्नमेंट देखी, गाँव है तो बहुत ज़्यादा खूबसूरत, अगर यहाँ पर कुछ क्रिएटिविटी दिखाएंगे, कुछ ऐसा खूबसूरत चीज़ें बनाएंगे, टूरिस्ट आने लग जाएंगे, तो यहाँ की गवर्नमेंट और ये जो सारी कंट्रीज रहती है ना, वो बहुत ज़्यादा सोचते हैं टूरिज़्म के बारे में। यहाँ की गवर्नमेंट सोची भाई कि यहाँ पर कुछ करते हैं आर्ट वगैरह ताकि और टूरिस्ट आए। तो 2009 में यहाँ के जो मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म एंड स्पोर्ट्स वाले थे, वो क्या किए, जितने भी आर्ट्स वाले स्टूडेंट थे भाई कोरिया में और भाई प्रोफेशनल जो आर्ट बनाते थे, उनको बुलाए और बोले पेंटिंग करो, मस्त मस्त पेंटिंग करो और गांव को जितना अच्छा कर सकते हो तो करो। तब से भाई यहां पर इतनी अच्छी अच्छी पेंटिंग बनी है, इतनी अच्छी अच्छी भाई यहां पर आर्ट आप लोगों को देखने मिलेंगे। नॉर्मल सा गांव था, इतना सही लग रहा है आज के टाइम पे, ये देखो। और बिल्कुल पीछे आप लोगों को वहाँ पर समुद्र भी देखने मिलेगा, मुझे लग रहा है ना ऐसे गोल घूम के ऊपर भी जा सकते हैं, तो देखेंगे भाई ऊपर जाने मिला तो जाएंगे। यार बहुत सही आर्ट बना के रखे हैं, और ये पेंटिंग नहीं है मेरा ख्याल है, ये ना कुछ तो भी थर्माकोल का है। अच्छा नहीं नहीं ये पेंटिंग करके रखे हैं यार, बहुत सही लग रही है। और ये जो सारा देख रहे हो ना, ये देख रहे हो, ये कैफ़े हो गया, ये कैफ़े है, कुछ घर है इसमें और कुछ कैफ़ेज़ और रेस्टोरेंट वगैरह है। चलिए चलते हैं, और अगर कहीं गली मिली ना तो गली चढ़ के ऊपर चलेंगे, देखिए वहाँ पर भी बहुत सारे लोग खड़े हैं, वहाँ से बहुत अच्छा सनसेट दिखेगा भाई। तो भाई मैं सोच रहा हूँ यहाँ नीचे जाने से अच्छा यहाँ चलते हैं। देखिए यहाँ ऐसे गली गई है, यहाँ से ऊपर जाने का मैं रोड देखा हूँ, उसके उस तरफ भी बहुत सारी चीज़ें देखने दिखाने के लिए। यहाँ थोड़ा सा स्लो बोलता हूँ भाई, क्योंकि ये सारे यहाँ के लोकल लोगों के घर हैं। देखिए आंटी वहाँ पे फार्मिंग कर रहे हैं, ये लोकल लोगों के घर हैं और यहाँ पर रहते हैं भाई, कितने अच्छे व्यू के साथ रहते हैं ना। देखिए पीछे समुद्र दिख रहा है, खूबसूरत सा व्यू मिल रहा है। और आई एम श्योर भाई ये सारे घर महंगे होंगे, ये सब यूजुअली घर जो होते हैं ना वो काफ़ी ज़्यादा महंगे होते हैं, और बहुत सारे लोग क्या करते हैं होम स्टे बना देते हैं और उसका भाई अच्छा खासा चार्ज करते हैं, क्योंकि व्यू पॉइंट काफ़ी मस्त सा है। और देखिए अब नज़दीक से आपके गांव को देखोगे ना, ज़्यादा कुछ स्पेशल नहीं है, लेकिन यार दूर से अगर आप इसको देखोगे तो बहुत ही ज़्यादा यूनिक लगता है। चलिए ट्राई करते हैं हम उस तरफ निकलने के लिए,
और यार ये मैं इतनी बार इसलिए बोल रहा हूँ कि हमारी गवर्नमेंट को भी ऐसा कुछ करना चाहिए। मैं इसके बारे में पढ़ रहा था, यहाँ के जो लोग हैं ना भाई, आज से भाई 20-25 साल पहले बहुत ज़्यादा गरीब थे, तो यहाँ पे गवर्नमेंट को बहुत ज़्यादा भाई खाना वगैरह सप्लाई करना पड़ता था। तो भाई गवर्नमेंट सप्लाई करने से अच्छा दिमाग लगाए कि भाई यहाँ पर ऐसी काम करते हैं कि टूरिस्ट आए और ये लोग खुद ही कमाने लग जाएं। इस गली से मैं आया हूँ और यहाँ पे देखो यार, यहाँ पर भी बहुत ही खूबसूरत सी जगह है, उल्टा टूरिस्ट ज़्यादा यहाँ पर है, क्योंकि यहाँ पर देखिए खाने पीने के भी बहुत सारे छोटे छोटे भाई कैफे रेस्टोरेंट बने हुए हैं। यहाँ पे आइसक्रीम वगैरह मिल रही है, जेली वगैरह मिल रही है। वो भाई यहाँ तो बहुत टूरिस्ट हैं यार। चलिए चलते हैं भाई। BTS के पॉप के दीवानों, ये लो उनके फ़ोटो वगैरह यहाँ पर लगे हुए हैं, वो देख लो। अब मुझे मालूम तो नहीं कौन है, लेकिन भाई सारी लड़कियाँ यहाँ पर फ़ोटो निकाल रही हैं। भाई साहब बहुत भीड़ लगी हुई थी, अभी थोड़ा सा खाली हुआ है, ये तो सारी लड़कियाँ देख रहे हो ना भाई, सारे लोग फ़ोटो निकाल रहे हैं। भाई साहब अगर आप जानते रहोगे तो आप बताना, मैं तो नहीं जानता हूँ, लेकिन फेमस लग रहे हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है भाई जंगकुक, जिमिन, शायद इनके नाम है ये। तो ये लोग है भाई इतने पॉपुलर यहाँ पे। और यहाँ पर भी देखिए हेलो गेमचोंग लिखा हुआ है, और ये मुझे लग रहा है ये भी वही BTS वाले या फिर वो K-pop वाले लोग हैं। भाई साहब बहुत लोग पागल है यार यहाँ पे। और यहाँ पे पुरानी सी बाइक खड़ी हुई है, सारा कपड़े वगैरह की दुकानें हैं। चलिए भाई यहाँ तो ज़्यादा लाइवली है, पीछे साइड जहाँ थे वहाँ तो इतने लोग नहीं थे। सही नज़ारा यार, यहाँ ऊपर नीचे स्लोप। सही बात है यार, जो मैं पढ़ के आया था ना, जो मैं आप लोगों को पहले बताया था कि ये जगह को बोलते हैं सेंटोरिनी साउथ कोरिया का, थोड़ा थोड़ा मुझे वैसे ही लग रहा है। यहाँ पे देखिए भाई चर्च भी आप लोगों को देखने मिलेगा। साउथ कोरिया की पॉपुलेशन में 30% लोग क्रिश्चियन है, मुझे मालूम नहीं था, यहाँ पर आके मैं पढ़ा तो मुझे मालूम पड़ा। चलिए, और इस दुकान में देखो भाई एडवर्टीजमेंट का स्टाइल थोड़ा कैजुअल है, वो जो हाथ में लगाते हैं ना फ़ोन के उसमें कि भाई फ़ोन गिरे नहीं, वो भाई एडवर्टीजमेंट करने के लिए देखिए क्या लगे हैं कि बाथरूम में जब आप बैठोगे तो ये लगाओगे तो फ़ोन गिरेगा नहीं, एडवर्टीजमेंट का तरीका थोड़ा कैजुअल है। और देखिए भाई यहाँ पर सारा वही मिल रहा है, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ भी वही है भाई साहब। अच्छा उंगली डालना है और यूज़ करो, गिरेगा नहीं फ़ोन। सही है यार, बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें भी है यहाँ पर। सही बता रहा हूँ, ये कोई जगह नहीं है, ये पूरा का पूरा गांव आर्ट है एक यार, जहाँ नज़र घुमाओ यार बहुत सही है यार। ये देखो ऊपर देखो भाई, ये सब सारी जो पेंटिंग देख रहे हो ना, ये स्टूडेंट्स बनाए हैं या फिर प्रोफेशनल जो आर्टिस्ट वगैरह होते हैं ना वो लोग बनाए हैं। और पेंटिंग तो लिटरली हर जगह है, ये देखो यहाँ पर भी पेंटिंग वगैरह है। और यहाँ से भी बहुत खूबसूरत सा व्यू मिलेगा आपको, देखिए हम देखिए वहाँ से आए हैं, देखिए वहाँ से हम वैसा उतरे नीचे, वहाँ पर फ़ोटो भी खिंचाया था मैं, फिर वहाँ से ऐसे घूम के ऊपर चढ़ के इस तरफ आया हूँ मैं। हर 20-30 मीटर पे यहाँ पर एक व्यू पॉइंट बनाया, वहाँ पर एक व्यू पॉइंट था, यहाँ पर एक व्यू पॉइंट था, अब यहाँ पे देखिए यहाँ पर व्यू पॉइंट है। वो सारी चीज़ तो नॉर्मल है, यहाँ पे देखो भाई इतनी बड़ी सी लाइन लगी है वो अंकल के साथ फ़ोटो लेने के लिए, अंकल नहीं वहाँ पर एक लड़का बैठा है उसके साथ फ़ोटो लेने के लिए इतनी भीड़ है। भाई साहब पूरा बैरिकेडिंग करके रखे हैं प्रॉपर। ये देखो भाई अच्छा, यहाँ से व्यू भी बहुत खूबसूरत सा मिलता है, इस वजह से भाई यहाँ पे लाइन लगी है। सही है यार, ख़त्म है भाई एकदम, एंड खूबसूरत है, हर जगह आर्ट है यार, हर जगह आर्ट है। हर दुकान वाले ना कुछ अपना पर्सनल आर्ट बना के रखे हैं, ये देखो। और यहाँ पे देखिए भाई यहाँ पर कुछ थोड़े से स्नैक वगैरह मिल रहे हैं, देखिए अगर आप स्क्विड गेम देखे रहेंगे तो आपको मालूम होगा ये कैंडी उसमें मिलती है, उसमें फिर एक सुई मिलती है, उससे खोद खोद के आपको ये निकालना रहता है। तो यहाँ पर आप लोगों को देखने मिलेगा, देखिए स्क्विड गेम कोरिया का तो आपको मालूम ही होगा, जो नेटफ्लिक्स पे सबसे ज़्यादा व्यूड सीरीज़ जो है वो है यही वाली स्क्विड गेम, वो कोरिया की है। और साथ ही साथ में जो मिस्टर बीस्ट है भाई, दुनिया का सबसे बड़ा यूट्यूबर, उसका जो सबसे फेमस वीडियो है वो भी भाई स्क्विड गेम के ऊपर ही है यार। साउथ कोरिया मस्त वो करके रखा है यार। और यहाँ पे देखिए और भी स्नैक देखने मिलेगा आपको, यहाँ पे आपको मिल जाएगा 10,000 की ड्राइड स्ट्रॉबेरी, 10,000 मतलब होता है 600 रुपये का ये पैकेट मिलेगा ड्राई स्ट्रॉबेरी का, और 600 रुपये का आपको मिलेगी ड्राई मैंगो जेली, लेकिन इसमें जेलेटिन वगैरह रहता है भाई, पोर्क वगैरह रहता है थोड़ा सा, इसलिए समझ के खाने रहता है। मेड फ्रॉम रिसाइकल्ड बीच अम्ब्रेलास, क्या बात है भाई, रिसाइकल्ड चीज़ें है सारी। ओ तेरी, तो यहाँ पे देखो, अरे यार यहाँ से भी वैसे तो भी दिख रहा है, वहाँ क्यों लोग इतनी लाइन लगाए, यहाँ से भी तो वही फ़ोटो आएगा। भाई साहब देखो ना दूर से कितना सही लग रहा है, अभी वहाँ से नज़दीक से दिखा आपको कैसा था, अब दूर से कितना अच्छा लग रहा है, अब यहाँ से नज़दीक से देखो ये कैसा दिखता है। चलो भाई अब चलते हैं उस तरफ, उस तरफ से ना भाई सनसेट अच्छा दिखेगा और वहाँ से व्यू भी अच्छा आएगा। जब सनसेट होगा ना भाई तो पूरी धूप इस तरफ पड़ेगी तो ये सारा चाय चमकने लगेगा, जैसे देखिए वो दिख रहा है, बड़ा सही लग रहा है। तो वहीं चलते हैं, बिल्ला बेचारा अकेला बैठा हुआ है। इधर देख बाबू, ये तो यार जैसा कि मैं आप लोगों को पहले वीडियो में बताया था, यहाँ का जो साउथ कोरिया का जो टूरिज़्म है उसका भाई एक बहुत बड़ा नंबर के पॉप के ड्रामा के वजह से आता है भाई, क्योंकि दुनिया में इतने सारे फ़ैन हो गए के ड्रामा के पॉप के,
कि बस भाई उनको देखना है साउथ कोरिया कैसा है, क्योंकि वो सारे ड्रामे में, मूवीज़ में, के पॉप गाने में ये सारी चीज़ देखते हैं। और यार ये हरदम से ऐसा नहीं था, आपको बताऊँ आपको लगेगा कि साउथ कोरिया इतना भाई म्यूज़िक और ये सबको प्रमोट करता है, हरदम से ऐसा होगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। 1990s तक, बस 30 साल पहले तक, यहाँ पर इतना ज़्यादा सेंसरशिप थी कि यहाँ के लोग भी बाहर ट्रैवल नहीं कर सकते थे। फिर उसके बाद भाई यहाँ पर कोई भी मूवी नहीं बन सकती थी भाई जो गवर्नमेंट के खिलाफ रहे, या फिर उसमें कुछ पॉलिटिकल चीज़ डिस्कस हो, या फिर भाई यहाँ की हालत कंडीशन दिखाए। वो टाइम भाई साउथ कोरिया इतना अमीर नहीं हुआ करता था, गरीब कंट्री थी उस टाइम पे ना, यहाँ पर मूवीज़ गाना वगैरह बिल्कुल भी एकदम भाई यूज़ में ही नहीं था, यहाँ के लोग देखते भी नहीं थे और गवर्नमेंट अलाउ भी नहीं करती थी। फिर भाई 1993 में आती है भाई जुरासिक पार्क मूवी, जो इतना ज़्यादा पैसा कमाती है। तो साउथ कोरिया के जो फाइनेंशियल एडवाइज़र थे वो गवर्नमेंट को लिखते हैं, भाई जो प्रेसिडेंट हुआ करते थे साउथ कोरिया के उस टाइम पे, वो लिखते हैं कि भाई जितना 1.5 मिलियन हुंडई की गाड़ी बेच के हम पैसा कमाते हैं, ये एक मूवी उतना कमा ली। तो प्रेसिडेंट बोले भाई तो कुछ करना पड़ेगा भाई मूवीज़ वगैरह में। तब उसके बाद भाई यहाँ के गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा ओपन हो गए कि इसको मूवी बनाना है, जो करना है कुछ भी करो, और भाई बहुत ज़्यादा पॉप कल्चर फिर प्रमोट करना चालू करें। इस वजह से आज 30 साल बाद साउथ कोरिया दुनिया के टॉप पे आता है भाई पॉप, के पॉप जो स्पेशल भाई इतना फेमस है, आपको मालूम होगा UN के हेडक्वार्टर में जाके भी गाना वगैरह गाए, तो इतना फेमस हो गया भाई के पॉप और भाई ये गाने म्यूज़िक की वजह से। तो यहाँ से देखिए भाई व्यू कितना सही मिल रहा है यार, और यहाँ से ना भाई सिर्फ आपको घर नहीं दिख रहा है, यहाँ से आपको पूरा ग्रीनरी, पहाड़ भी देखने मिलेगा, समुद्र भी देखने मिलेगा। मेरा ख्याल है भाई इसके थोड़ा और आगे जाऊँगा ना फिर नॉर्मल एरिया में उतर जाऊँगा, देखिए वहाँ से रोड नॉर्मल, फिर वहाँ से आप बाहर निकल जाओगे, जो गाँव वगैरह है ना मुझे लग रहा है वो इस तरफ जाना है मुझे। चलिए देखिए यहाँ पर भी थोड़े लोग फोटो खिंचा रहे हैं, और यहाँ जगह जगह पे लिखा है कि भाई यहाँ पर नॉर्मल रेसिडेंट भी रहते हैं, यहाँ के लोकल लोग भी रहते हैं, उनकी प्राइवेसी की थोड़ी सी रिस्पेक्ट करना भाई, हर जगह नहीं घुस जाना। नहीं तो देखिए भाई यहाँ से ऐसा रास्ता बना हुआ है, नीचे जाके आप पूरा देखिए ऐसा zigzag, जिसके जिसके घर है भाई वो अपने घर में जाता होगा। और यार ये गाँव आप अगर साउथ कोरिया हो ना, बुसान आओ ना, तो ये गाँव ज़रूर विज़िट करो यार, मतलब आपको दिखाया यार कितना ज़्यादा खूबसूरत है यार, और ये कितना अच्छा एग्जांपल है कि आप अगर थोड़ा सा चेंज करोगे ना, एक इनिशिएटिव लेगे थोड़ा सा ना, तो कितना चेंज हो सकता है यार, मतलब बहुत नेक्स्ट लेवल पे हो गया यार, आर्ट का भाई वो हो गया है। कौन है भाई इतना हंस क्यों रहे हैं यहाँ पे? चलिए चलते हैं थोड़ा सा और देखते हैं क्या है यहाँ पे। चलो भाई, और यार अभी तो कुछ खाना पीना भी रहेगा यार, भूख काफ़ी ज़्यादा लग रही है, सुबह से एक कॉफ़ी पी के निकले हैं, आप लोगों ने देखा ही है। अब देखेंगे भाई खाने पीने का क्या इंतज़ाम है यहाँ पर। भाई एक अच्छी बात ये है कि इंडियन रेस्टोरेंट हर जगह मिलेगा भाई, साउथ कोरिया में कोई भी शहर में जाओगे ना आपको इंडियन रेस्टोरेंट मिल जाएगा। और साथ ही साथ बस इंडियन रेस्टोरेंट नहीं है, यहाँ पर उज़्बेकी रेस्टोरेंट भी आपको बहुत ज़्यादा मिलेगा, यहाँ पर उज़्बेकिस्तान के भी लोग बहुत ज़्यादा है, बंगाली लोग भी बहुत ज़्यादा है भाई, यार यहाँ पर चाइनीज़ लोग भी बहुत सारे हैं, ये जो देख रहे हो ना भाई। अब मैं भाई चाइना में 2 महीना रह के आया हूँ, तो मुझे चाइनीज़ समझ में आ जाती है थोड़ी बहुत, पूरी समझ में तो नहीं आती है, बस इतना मालूम पड़ जाता है कि भाई ये लोग चाइनीज़ है। तो भाई यहाँ पर टूरिस्ट जो है ना सबसे ज़्यादा जैपनीज़ आते हैं, सबसे बड़ा नंबर जैपनीज़ फिर चाइनीज़ है, इंडियन तो भाई बहुत नीचे नंबर पर आते हैं। देखिए आपको ऐसा लगेगा कि साउथ कोरियन लोग ही हैं, लेकिन इसमें से ज़्यादा चाइनीज़ जैपनीज़ लोग रहते हैं। तो चलिए भाई जाने से पहले मैं एक फ्रिज मैग्नेट भी ले लूँगा यहाँ से, यहाँ देखो। तो यार जैसा कि आप लोगों को फ्रिज मैग्नेट दिखाया है, यहाँ पे फ्रिज मैग्नेट है बहुत यूनिक है, क्या देखिए भाई कोरिया वाला है और ऐसा बुसान वाला है, और ऐसा बुसान, कोरिया, सोल सब स्टाइल का आपको मिल जाएगा। और यहाँ देखिए ये साउथ कोरियन नोट वाला भी मिल जाएगा, मतलब कोई 5,000 का है, 300 या फिर कोई 6,000 का। देखिए ये वाला जो देख रहे हो ना, ये सारा कुछ 6,000 का है, ये 5,000 का है, लेकिन यार ये इस तरफ वाला जो ये देख रहे हो ना, इसमें 10 फ्रिज मैग्नेट है और ये 12,000 लिखा है, मतलब 700 रुपये का 10 फ्रिज मैग्नेट, ये तो सस्ता है यार। चलिए पूछते हैं, अगर वो उतने का ही है तो ले लेते हैं। नहीं यार ये अभी मैं देखा, ये फ्रिज मैग्नेट नहीं, ये हल्का सा फुट्टा वाला है, तो भाई ये ख़राब हो जाता है जल्दी, तो ये लेने से अच्छा ना ऐसा दूसरा वाला कोई दूसरे टाइप का लेते हैं। ये देखिए सारा कुछ जो देख रहे हो ना, 6, 7, 10 वाला पैकेट, ये पूरा फुट्टा वाला है, ये कोई भाई लोखंड वाला नहीं है। चलिए भाई दूसरा देखते हैं कौन सा हम। भाई साहब उस दुकान वाले को तो धंधा ही नहीं करना था, अभी मैं वहाँ जाके आराम से फ्रिज मैग्नेट सेलेक्ट कर लिया, फिर उसके बाद भाई वो ढूंढ रहा हूँ, आ ही नहीं रहा है, कोई भी नहीं है, आवाज़ लगा रहा हूँ भाई कोई सुन ही नहीं रहा है, तो मैं बोला भाई जाने दो भाई, जिसको धंधा करना है उसी को नहीं पड़ी है तो फिर मैं ही क्या करूँ भाई, बोल के मैं बोला वो तो आगे भी ले लेंगे, तो चलिए आगे ढूंढते हैं कहीं पर फ्रिज मैग्नेट, दूसरा दुकान है तो बहुत सारी है यहाँ पर। तो भाई यहाँ पर एक और मिल गई है मुझे फ्रिज मैग्नेट की दुकान, और यहाँ पर देखिए स्टिकर वगैरह भी मिल रहे हैं कार्टून वगैरह के, ये देखिए भाई जितनी वैरायटी के फ्रिज मैग्नेट इस दुकान में ना मैं कभी भी नहीं देखा। और देखिए मैं सोच रहा हूँ मैं ये वाला लूँ, क्योंकि भाई ये देखिए एकदम अलग स्टाइल का, ये शायद बॉटल ओपनर वाला है, लेकिन अपने को क्या ही लगेगा भाई, फ्रिज पे लगाएंगे मस्त लगेगा यार ये तो। और भाई BTS वाले जो के पॉप देखते हैं, ये देख लो भाई सारे उनके आर्टिस्ट के एल्बम भी मिल रहे हैं यहाँ पे, और ये मिल रहा है भाई 300 रुपये का, 300-400 रुपये का इंडिया के पूरे एल्बम वगैरह मिल रहे हैं BTS वाले लोगों के। और यहाँ से व्यू देखो भाई, व्यू भी तगड़ा सा मिल रहा है, तो यहाँ से मैं ये लेता हूँ, और हेलो किटी और ये सारी चीज़ें भी मिल रही है यहाँ पे यार।
बहुत सही दुकान है यार, बहुत सही दुकान है। ये देखो भाई साहब, बहुत सारी चीज़ें, ड्रैगन बॉल जी, स्पाइडर मैन, सुपरमैन, रिंग वगैरह सब यार यहाँ पे। यहाँ से लेते हाँ, दिस 5000 राइट? ओके, आई विल पे 5000 US चेंज, थैंक यू। थैंक यू समिदा। चलिए भाई, ये वाला फ्रिज मैग्नेट ले लिए, काफ़ी बड़ा है साइज़ में भाई, ऐसा दिख रहा नहीं है। चलो भाई निकलते हैं अब इस विलेज से, और निकलते हुए भी भाई लास्ट बार आप देख लो ये BTS वाले लोगों की फ़ोटो। जो BTS वाले हैं भाई, जो आर्मी आर्मी बोलते हैं, उनके लिए तो अच्छा ही है। ये क्या नाम था इनका, जुंगकुक, जिमिन, इनकी फ़ोटो वगैरह भी देख लो। और यार शाम भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी हुई है। चलिए अभी तो निकलने मुझे 10-15 मिनट लग जाएगा, जो भी दिखेगा थोड़ा और आप लोगों को दिखा दूंगा। यहाँ पे देखिए पेंटिंग वगैरह बन रही है। देखो भाई इस गांव में कल्लू कालिया भी घूम रहा है। ये देखो भाई साहब, ये ऑरेंज है कि काला बिल्ला है? यहाँ की बिल्ली पिस पिस पे नहीं सुनती है यार, बहुत मोटा बिल्ला है ये तो। घूम घाम के अब निकल रहे हैं वापस बाहर, और भाई ऑलमोस्ट शाम हो गई है, सनसेट हो गया है, और उसके बाद भी नज़ारा देखो मेरे पीछे कितना ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है यार। ये देखिए भाई साहब, मतलब दिन के कोई भी टाइम पे आओ ना आप, इतना ज़्यादा खूबसूरत आप लोगों को देखने मिलेगा। और इस घर पे देखो भाई कितना बड़ा सोलार पैनल लगा हुआ है। और यार पक्का अभी थोड़ी देर में ना शाम होगी ना, जब अंधेरा पूरा होगा तो पूरी लाइट जब जलेगी तो और भी ज़्यादा खूबसूरत लगेगा। लेकिन अभी ठंडी भी बढ़ रही है और भूख भी काफ़ी ज़्यादा लगी है, तो हम निकलते हैं बाहर और कुछ बस मेट्रो पकड़ के चलते हैं भाई, कहीं खाना खाने इंडियन रेस्टोरेंट पे, या फिर देखते हैं कहाँ जाएंगे कहीं खाना खाने। और आ गए हम बाहर, हम यहीं से स्टार्ट किए थे भाई। भाई साहब लास्ट बार फिर से देख लो ये विलेज, ये नज़ारा देख के ना फिर से कन्फ्यूजन हो रही है कि भाई रुकूँ कि जाऊँ, अंधेरा होने दूँ। अंधेरा हुआ तो भाई बहुत मस्त चमकेगा, या फिर भाई बंद भी हो सकता है। अंधेरा होने में तो मतलब सनसेट हो गया, लेकिन पूरा अंधेरा होने में तकरीबन आधा घंटा 40 मिनट तो लगेगा। तो भाई 40 मिनट रुकू के नहीं सोच रहा हूँ भाई, लेकिन यार व्यू क्या खूबसूरत मिल रहा है यार मेरे पीछे, आप देख सकते हो यार। जितना दिखाऊँ जितनी बार बताऊँ भाई उतना कम है यार। बादल ना ऑरेंज होना चालू हो गया है। ये देखिए एंटी, मुझे लग रहा है ना इस गांव की है ये। मैं प्लान ये किया कि भाई अभी वहाँ से, वहाँ खड़े होकर आप लोगों को दिखाया था, यहाँ से देखिए ये जो हरी वाली बस देख रहे हो ना, हमको वहाँ से मिलती जो हमको लेके जाती मेट्रो स्टेशन। लेकिन भाई मैं सोच रहा हूँ ना, यहाँ से मेट्रो स्टेशन जो कि तकरीबन 2 किलोमीटर है, वो पैदल ही चलता हूँ। पैदल चलूँगा तो भाई टाइम भी जाते रहेगा, और साथ ही साथ ना भाई यहाँ से व्यू भी दिखेगा। आगे से जब मैं बस से आ रहा था ना तो देखा था भाई वो व्यू दिख रहा था, तो अच्छा हो जाएगा। तो भाई ये सही होगा। इसमें क्या है कि चलते चलते टाइम भी रुकना नहीं पड़ेगा हमको, हम चलते भी रहेंगे अपने डेस्टिनेशन की तरफ, और साथ ही साथ भाई व्यू भी दिखते रहेगा, अंधेरा भी होगा सारा भाई, जो पूरी लाइट वगैरह जलती है होप वो भी देखने मिल जाए। तो इससे अच्छा भाई इसलिए सोचा मैं कि बस छोड़ता हूँ। देखिए यही वाली बस जो देख रहे हो ना सामने 2.2, ये वाली बस ही हमको लेके जाती, लेकिन मैं पैदल जा रहा हूँ। लेकिन यार अभी पीछे ऑरेंज ऑरेंज होना चालू हो रहा है यार, यहीं रुकूं कि जाऊं यार, कंफ्यूजन हो रही है। और यार एक और अच्छी बात ये होगी कि हमको ना पहाड़ के नीचे उतरना है, ऊपर तो चढ़ नहीं सकते भाई। ये 2-2.5 किलोमीटर जो है ना भाई, ये इतना ज़्यादा स्लोप है कि आप चढ़ ही नहीं सकते हो। अब नीचे उतरने में क्या आराम से उतर सकते हैं, तो इसलिए मैं डिसाइड किया कि पैदल ही उतर जाते हैं। तो भाई देखिए लगभग मैं 40% या फिर आधा रास्ता उतर गया हूँ, लेकिन हमारे साथ एक छोटा सा स्कैम हो गया। वो ये है कि जो गंगचोंग विलेज है वो इस तरफ है भाई, वो इस तरफ है, और ये जो देख रहे हो ना ये शहर का पार्ट दिख रहा है यहाँ से। जब मैं ऊपर चढ़ रहा था ना भाई, तो मैं पहली बार ही विजिट कर रहा हूँ भाई, मुझे ज़्यादा कुछ मालूम नहीं है, मुझे लगा इस तरफ ही विलेज होगा, क्योंकि ये भी देखिए ना कितना खूबसूरत लग रहा है, मुझे लगा यही होगा। अभी मालूम पड़ रहा है भाई वो विलेज तो इस तरफ है, यहाँ से देखिए ये शहर का नज़ारा दिख रहा है। वो देखिए सामने भी शहर पूरा चमक रहा है एकदम सा। लेकिन ठीक है यार, अब आधा रास्ता उतर ही गए हैं तो ऐसे ही उतर जाते हैं। और बहुत ज़्यादा स्लोप है यार, यहाँ पे ब्रेक लगाना पड़ रहा है बार बार। तो भाई सारा कुछ पहाड़ वहाँ से भाई नीचे आ गया, मेरा हो गया पोपट, कुछ भी देखने नहीं मिला। जो भाई मुझे लग रहा था लाइट दिखेगी वैसा कुछ भी नहीं दिखा, लेकिन ठीक है यार, वॉकिंग हो गई, 2 किलोमीटर से ज़्यादा ही था। अब आ गया हूँ वापस से, देखिए मेट्रो स्टेशन पे, देखिए यहाँ से जहाँ से चला था सुबह बिल्कुल वहीं पे आ गया हूँ। अब यहाँ से हमको लेना है मेट्रो और जाना है बुसान स्टेशन, जो मेन बुसान स्टेशन है, क्योंकि भाई वहाँ पे है चाइना टाउन, वहाँ पे मिल जाएगा भाई, चाइना टाउन के अंदर मिल जाएगा हमको इंडियन रेस्टोरेंट भी और उज़्बेकी रेस्टोरेंट भी। ये तो नाम का चाइना टाउन है भाई, चाइना टाउन के अंदर 2-2 इंडियन रेस्टोरेंट दिख रहा है, और उज़्बेकी रेस्टोरेंट तो भाई मेरा ख्याल है 2-3 रेस्टोरेंट है। तो चलिए भाई क्या ही जाते हैं। अब यहाँ से जो बुसान का मेन स्टेशन है वो तकरीबन 3-4 स्टॉप है, ज़्यादा दूर नहीं है। तो चलिए चलते हैं भाई यहाँ से, अपना वही वाला क्यूट वाला कार्ड यूज़ करते हैं यहाँ पे। और अभी तो खाली सा हो गया एकदम स्टेशन। देखिए भाई यहाँ से निकले हैं मेट्रो स्टेशन से और पहुँच गए हम चाइना टाउन में।
ये देखिए भाई चाइना टाउन की एंट्रेंस, और यार ये देख के ना बिल्कुल चाइना की याद आ गई। चाइना वो कंट्री है जहाँ पर मैं सबसे ज़्यादा टाइम गुजार रहा हूँ भाई, पूरा का पूरा वीज़ा ख़त्म होने तक रुकता हूँ। और ये देखा ना भाई, बिल्कुल ना चाइना की याद आ गई। देखिए गेट है चाइना टाउन का, और चाइना में ना हर जगह ऐसे ही रहता है। तो चलिए चलते हैं अंदर, और अंदर है इंडियन रेस्टोरेंट भी और उज़्बेकी रेस्टोरेंट भी। ये लैंटर्न लगा रहे हैं भाई, चाइनीज़ लैंटर्न। ये देखिए हर जगह पूरा दोनों तरफ लगी हुई है यार। ये देख के भाई एकदम चाइना की याद ताज़ा हो गई। तो चलिए चलते हैं अंदर, जो मेन स्ट्रीट है ना वो अंदर है, वहाँ पर खाने वगैरह के लिए मिल जाएगा कुछ भी। तो ये देखिए यहाँ पर दोनों तरफ आप लोगों को चाइनीज़ लैंटर्न देखने मिलेगा। यहाँ पर रोड के एंड में ही वहाँ पर है एक उज़्बेकी रेस्टोरेंट, इंडियन रेस्टोरेंट थोड़ा सा दूर दिखा रहा है। तो देखते हैं भाई, अगर पहले वो दिख गया तो पहले वहाँ बैठ जाएंगे, अगर पहले भाई जो रेस्टोरेंट आएगा ना उज़्बेकी या फिर इंडियन वहाँ पर बैठ जाएंगे, क्योंकि दोनों जगह हमको खाना मिल जाएगा। भाई ये चाइना टाउन तो ज़्यादा कुछ हैपनिंग नहीं है, बिल्कुल सन्नाटा सा है यार, ज़्यादा लोग यहाँ पर है नहीं। और यही अगर चाइना में रहता ना भाई, शंघाई वगैरह में, बीजिंग वगैरह में, भाई दम चमक जाता है यार। तो देखेंगे भाई, जल्द विज़िट करेंगे चाइना। चाइना का वीज़ा तो मेरे पास, जैसा कि बताया मैं नॉर्थ कोरिया की वजह से हरदम रखे रहता हूँ चाइना का वीज़ा, अभी भी मेरे पास वैलिड पड़ा है। एक फ़्लाइट और हम चाइना में रहेंगे, देखते हैं भाई मूड हुआ तो देखेंगे। अभी तो हम अमेरिका जा रहे हैं, उसके बाद क्या प्रोग्राम बनता है भाई क्या पता, देखते हैं। चलिए चलते हैं खाने का जुगाड़ करते हैं। ये देखिए भाई, चाइना टाउन में पहले ही आ गया समरखंड उज़्बेक रशियन मार्ट भी, यहाँ पर उज़्बेक रेस्टोरेंट है। चलिए चलते हैं भाई, यहाँ पर खाना वगैरह जो है देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है हलाल है, खाते हैं। उज़्बेकिस्तान का फ्लैग भी है यहाँ पे भाई साहब, यहाँ पर तो बहुत चीज़ है भाई। अब उज़्बेकी रेस्टोरेंट में एंटर किया, उज़्बेकिस्तान की याद आ गई। उज़्बेकिस्तान में भी भाई बहुत ज़्यादा टाइम गुजारा था, तकरीबन मैं डेढ़ महीना था, दो बार गया था उज़्बेकिस्तान। देखिए यहाँ पर हुक्का वगैरह रखा हुआ है, सामने देखिए मक्का का भाई देखिए वो लगा हुआ है, क्या नाम है, टीवी में वो सब लगा हुआ है। तो चलिए भाई यहाँ से ऑर्डर करते हैं, देखते हैं क्या क्या खाने के लिए। और यहाँ पर कैसा है ना भाई, साउथ कोरिया में आपको मेन्यू और कुछ की ज़रूरत नहीं, आप यहीं से ऑर्डर कर सकते हो। यहाँ से ऑर्डर करोगे उनको वहाँ पर चिट्ठी चले जाएगी, फिर वो खाना डायरेक्ट ला के दे देंगे। तो चलिए भाई देखते हैं क्या है खाने के लिए, ऑर्डर करते हैं फिर बताता हूँ आपको क्या ऑर्डर किया हूँ। आ गया है हमारा खाना, यहाँ से ऑर्डर किया हूँ। देखिए भाई ये लैम चॉप है, ये राइस जैसा कुछ है, वहाँ नान है, और ये है सैलेड। और इसके मैं पे कर रहा हूँ भाई तकरीबन 25,000 वॉन, जो कि इंडियन करेंसी में भाई स्क्रीन पे दिख के आएगा भाई 1500 से ज़्यादा होता है, इतना महंगा है यहाँ पे। चलिए खाते हैं। फाइनली भाई साहब खाना पीना खा के वापस आ गया हूँ मेरे हॉस्टल के पास, और साथ में भाई एक शॉर्मा वहाँ से पार्सल भी ले लिया, क्योंकि यार अभी रात के बज रहे हैं ऑलमोस्ट 9, और भाई अभी थोड़ा काम वगैरह करूँगा हॉस्टल में, फिर उसके बाद सोते सोते मुझे 1 बज जाएगा, तो यार फिर भूख भी लग सकती है, क्योंकि सुबह से बस वही खाया हूँ, एक ही टाइम खाना खाता हूँ, तो रात में कभी कभी भूख लग जाती है। तो मैं बोला भाई एक लेके रख ही लेता हूँ। यहाँ पर आप लोगों ने देखा यार, जो मैं खाना खाया अभी उसके मैं बिल पे करके आया हूँ 32,000 कोरियन वॉन, जो कि तकरीबन भाई 2100 रुपये बनता है। तो ऐसा है भाई एक्सपेंसिव साउथ कोरिया। और आज का दिन आप लोगों ने देखा भाई, हम यहीं से स्टार्ट किए थे सुबह सुबह, आप लोगों ने देखा था ये मार्केट वगैरह आप लोगों को दिखाया था, ये हॉस्टल बस यहीं पे है। और वापस अभी पूरा घूम घाम के आ गए हैं, तो ख़त्म करते हैं भाई इस वीडियो को। इस वीडियो में आप लोगों ने देखा जो हम दिखाए गेमचोंग कल्चरल विलेज, काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत था, बहुत मज़ा आई, बहुत सारी चीज़ें दिखाया, बहुत सारी चीज़ें बताया। तो ख़त्म करते हैं अब इस वीडियो को। देखिए पहुंच भी गया हूँ हॉस्टल पे, ये देखिए भाई काली हॉस्टल, काली काली कैली हॉस्टल। तो होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा रहेगा, अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना। मिलते हैं भाई बहुत ही ज़्यादा अच्छे वीडियो।